1866 में आज ही के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत आगरा में स्थापित किया गया था। 1869 में से आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट भारत का पहला हाईकोर्ट बनाया गया था। 1925 को अवध न्यायिक आयुक्त ने अवध सिविल न्यायालय अधिनियम 1925 की गवर्नर जनरल से पूर्व स्वीकृति लेकर संयुक्त प्रांत विधान मंडल द्वारा अधिनियमित करवाकर इस न्यायालय को अवध चीफ कोर्ट के नाम से लखनऊ में प्रतिस्थापित कर दिया। 1948 में यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है, विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल द्वारा गवर्नर जनरल को यह अनुरोध किया कि अवध चीफ कोर्ट लखनऊ और इलाहाबाद कोर्ट को मिलाकर एक कर दें। इसका परिणाम ये हुआ कि लखनऊ और इलाहाबाद दोनों न्यायालयों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाने लगा और इसका सारा कामकाज इलाहाबाद से होने लगा। 1948 में आज ही के दिन भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय सैन्य कैडेट कोर है। यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है। राष्ट्रीय कैडेट कोर देश के युवाओं को संवारने में लगी सेना, नौसेना और वायुसेना का त्रिकोणीय सेवा संगठन है। इसके अंतर्गत कैडेटों को छोटे हथियारों और परेड में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। एनसीसी सबसे पहले जर्मनी में 1666 में शुरू की गई थी। भारत में एनसीसी 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के साथ बनाई गई थी। 1963 में आज ही के दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का अंतिम संस्कार हुआ था। वॉशिंगटन में कैनेडी के अंतिम संस्कार में करीब 8 लाख लोग शामिल हुए थे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के राजनेता और राजशाही के लोग पहुंचे थे। अमेरिका के इतिहास में शायद इससे पहले कभी भी विश्व के इतने गणमान्य व्यक्ति एक साथ जमा नहीं हुए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के अलावा ड्यूक ऑफ एडिनबरा भी कैनेडी के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। 1973 में आज ही के दिन ग्रीस में सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज पापा डोपोलोस का तख्ता पलट कर दिया था। सुबह सुबह सेना के टैंक राजधानी एथेंस की सड़कों पर दिखने लगे और फिर सेना ने सभी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया, लेकिन जनता ने किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। इस तख्ता पलट का नेतृत्व मिलिट्री पुलिस के तत्कालीन प्रमुख ब्रिगेडियर डेमेट्रियोस आयोनिडिस ने किया था। पापाडोपोलोस खुद भी 6 वर्ष पहले तत्कालीन सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर काबिज हुए थे। सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाइडॉन गिजिकिस को राष्ट्रपति पापाडोपोलोस की जगह देश का नया नेता नियुक्त किया गया। आज ही के दिन 1975 में सूरीनाम आजाद हुआ था। आधिकारिक तौर पर सूरीनाम गणराज्य दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। सूरीनाम के पूर्व में फ्रेंच गुयाना और पश्चिम में गयाना स्थित है। देश की दक्षिणी सीमा ब्राजील और उत्तरी सीमा अंडमान सागर से मिलती है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से सबसे छोटा संप्रभु देश है। इसकी राजधानी पारामारिबो है। यह पश्चिमी गोलार्ध पर इकलौता डच भाषी क्षेत्र है जो नीदरलैंड्स राजशाही का हिस्सा नहीं है। सूरीनाम का समाज बहुसांस्कृतिक है, जिसमें अलग अलग जाति, भाषा और धर्म के रहने वाले लोग निवास करते हैं। देश की एक चौथाई जनता प्रतिदिन $2 से कम पर जीवन यापन करती है। 2014 में आज एक दिन भारत की मशहूर कथक नृत्यांगना सितारा देवी का निधन हुआ था। कथक इन्हें अपने पिता आचार्य सुखदेव से विरासत में मिला था। 16 साल की उम्र में इनका नृत्य देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें कथक क्वीन के खिताब से सम्मानित किया था। भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्रियां मधुमाला, रेखा, माला सिन्हा और काजोल ने सितारा देवी से ही कथक नृत्य की शिक्षा ली है। सितारा देवी ने कई फिल्मों में भी काम किया था। उनकी फिल्मों में शहर का जादू, जजमेंट ऑफ अल्लाह, नगीना, बागबा, वतन, हलचल, मदर इंडिया प्रमुख हैं। 1970 में सितारा देवी को पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकादमी, 1991 में शिखर सम्मान समेत कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया। और 25 नवंबर यानी कि आज का दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा खत्म करने का दिन घोषित किया है। यूएन का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकार का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मामला शिक्षा, गरीबी, एचआईवी एड्स, महिलाओं की सुरक्षा और शांति के साथ जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ गरीब और विकासशील देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं। वेबसाइट में अनुमान लगाया गया है कि विश्व की 70% महिलाओं ने अपने जीवन काल में कभी न कभी हिंसा का सामना किया है।